जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में अहम मीटिंग हुई। दिल्ली में आर्टिकल 370 और 35 ए पर हो रही है मीटिंग। जम्मू कश्मीर की इलाकाई पार्टी के लीडरान भी इस मीटिंग में शामिल है। तो 370 और 35 ए पर नजरेसानी के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। तो दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ये मीटिंग बुलाई गई है। सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस तंजीम की जानिब से ये मीटिंग बुलाई गई है। सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस तंजीम की जानिब से दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जम्मू कश्मीर की इलाकाई पार्टियों, पंडित समाज और सिविल सोसाइटी की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती के साथ इलाके की अहम लीडरान भी शामिल है। तो बताते चले कई तरह से इस मामले को लेकर जो जम्मू कश्मीर के मकामी लीडरान है वो अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस मीटिंग का नतीजा क्या निकलकर सामने आता है। इसी को लेकर मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर। इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए हैं। मुबशिर, आपसे जानना चाहेंगे मीटिंग को लेकर इस वक्त दिल्ली में क्या कुछ सरगर्मियां। तो बिल्कुल शाहबा, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं इंडिया इंटरनेशनल कल्चर सेंटर है यहाँ पर, जहाँ पर कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर से ये पहली बार ऐसा रहा है जो दोनों रियासतें, जम्मू और कश्मीर दोनों के जो बाशिंदे हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो एक साथ राउंड टेबल पर बैठे हैं और उसको लेकर बातचीत हो रही है। कई सारे मुद्दों पर बातचीत हो रही है, जैसे 370 को जब मरकजी हुकूमत ने ख़त्म किया उसको लेकर बातचीत हो रही है, धारा 35 ए को जब ख़त्म किया उसको लेकर बातचीत हो रही है। तो कई सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं। दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़ यह है कि चुनाव को लेकर जिस तरीके से कहा जाया था मरकजी हुकूमत की तरफ से, उनको लेकर भी इन सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है। और एक सकारात्मक रूप में ये देना है कि जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव कितनी जल्दी होंगे, कई लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय है, अपनी अपनी मुख्तलिफ राय है उसमें, और उनका साफ तौर पर कहना है कि मरकजी हुकूमत जब तक ये कह सकते हैं कि चुनाव नहीं होगा 2024 का लोकसभा का, उसके बाद ही ये करा सकती है। क्योंकि अगर आती है, क्योंकि कई बार कहा गया कि हम चुनाव के बाद जो है इसको फुल स्टेट का दर्जा दे देंगे, जो यूटी बनाया था, यूनियन टेरेटरी बनाया था, उसको हटा लिया जाएगा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जिन पर सभी लोग, अभी मणिशंकर अय्यर जरूर पहुंचे हैं, हालांकि फारूक अब्दुल्ला के पहुंचने की उम्मीद थी यहाँ पर, लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं, मणिशंकर अय्यर पहुंचे हैं, और तमाम जो लीडरान हैं, पुराने जो मिनिस्टर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो लोग यहाँ पर इस बार शिरकत किया है। जी हाँ, बिल्कुल, यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि इलेक्शन को लेकर ये मीटिंग है। लेकिन मुबशिर, ये भी जिक्र किया जा रहा था कि इस मीटिंग में 370 और 35 ए को लेकर बातचीत होनी है, लेकिन ये तो पहले से ही वाजह है, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, वो कहीं ना कहीं इसको लेकर आवाज उठाते रहे हैं, और कई प्लेटफॉर्म पर हमने देखा है कि वो उन्होंने इन चीजों की मुखालफत की है। तो ऐसे में इस मीटिंग में क्या इसको लेकर एक राय देखने को मिल सकती है? अब बिल्कुल, देखिए 370 की बात करें या धारा 35 ए की बात करें, दोनों आर्टिकल जिस तरीके से हटाया गया उसके बाद से इसकी मुखालफत होना लाजमी भी था और अभी तक हो रहा है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, या दूसरे जो जम्मू एंड कश्मीर के लीडरान हैं, वो लगातार इसकी मुखालफत करते चले आ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि जिस तरीके से आर्टिकल 370 और उसके बाद फिर 35 ए हटाया गया, उन सब चीज़ों को लेकर जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर बताने की, कि जब ये हटा दिए गए उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर के हालात बेहतर है, जो मरकजी हुकूमत का साफ तौर पर कहना है। लेकिन इसके खिलाफ भी कई ऐसे जो लीडरान हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती हों, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हों, ये काफी जो लीडरान हैं वो इसके खिलाफ थे कि जम्मू कश्मीर की जो एक प्रैम्बल था, या यूं कहे कि जम्मू एंड कश्मीर का जो एक पिक्चर थी, वो कहीं ना कहीं 370 के बाद खत्म हुई है। तो इन सब चीजों को लेकर जो इख्तलाफात थे, उन सब चीजों पर भी इस वक्त टेबल टॉक चल रही है।